हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी एक परमानेंट वैकेंसी से रिलेटेड ही है वीडियो होने वाली है। यानी कि जो आज की वीडियो होगी वो होगी परमानेंट जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उससे रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको डायरेक्टली क्या होगा, ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट सोशल मीडिया से जुड़ना चाहता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, कोई डाउट हो तो वहां जाके मीडिया सोशल मीडिया ज्वाइन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद की तरफ से आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर NFT बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी को हम NFT बोलते हैं। NFT हैदराबाद की तरफ से आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूँ तो www.nift.ac.in हैदराबाद क्या है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट विजिट करना चाहता है तो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोजीशंस ऑफ द रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस यानी कि आपकी परमानेंट वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लास्ट डेट के बारे में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, NFT हैदराबाद इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी कैटेगरीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस। द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट, यानी रिसिप्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल के बाद आप फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 30 अप्रैल तक अपने फॉर्म को भर दें। अब बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ द पोस्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ द पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट वार्डन की रहने वाली है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम बात करने वाले हैं नर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है, असिस्टेंट फाइनेंशियल की वैकेंसी रहने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की रहने वाली है, लैब असिस्टेंट की रहने वाली है। इस प्रकार से कई कैटेगरीज की इसके अंदर वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसको जो भी कैंडिडेट इन कैटेगरी के अंदर आता है और फुलफिल क्राइटेरिया है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को जरूर भरें, क्योंकि यह वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज में देख लीजिए आप, यहाँ पर जो सैलरी बेसिस है वो आपको कंप्लीटली ऊपर दे दिए गए हैं कि लेवल 4 के आधार पर आपको क्या देखने को मिलेगी। इस वैकेंसीज के अंदर आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 27 ईयर, यानी कि 27 ईयर से ज़्यादा वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसकी क्या रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है। अब हम बात करते हैं स्टाफ नर्स के जो क्वालिफिकेशंस है, यानी कि कितने क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि इसमें बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट और जीएनएम वाले कैंडिडेट तीनों क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज को, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कोई कैंडिडेट अलग से बनना है, यानी कि जो भी लैब असिस्टेंट से रिलेटेड है तो उनका जो कैटेगरी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर अलग दी गई हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यही एक छोटी सी वैकेंसीज़ के बारे में आपको अपडेट देनी थी। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि 30 अप्रैल तक आप इस वैकेंसीज़ को भर दीजिएगा, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद यह वैकेंसी नहीं भरी जाएगी। इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।